देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जो भगवान श्री राम लला के पक्ष में निर्णय दिया, तो चूंकि मैं भी अपील करता था, उसमें मेरा अपील नंबर 2636 था, मेरी भी उनके समर्थन में ही अपील था, और रामलला के पक्ष में जो हमने प्रेयर मांगा था और ये भी कहा था कि ट्रस्ट बनाया जाए, मेरे प्रेयर में था, तो सब मान लिया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अधिकार दे दिया ट्रस्ट बनाने का, तो अब सरकार अब बनाए, जो भी जैसे भी करे, सरकार के हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ऐतिहासिक है, बहुत अच्छा है। हमारा मुख्य जो विषय था राम मंदिर भव्य बने, तो ये इसके मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं, अब सरकार के पाले में गए थे, जैसे भी निर्णय ले, जो भी निर्णय लेगा हम साथ में। ट्रस्ट को लेकर, क्योंकि आपने कहा कि आपने ही आजकल कह दिया ट्रस्ट को लेकर भी, तो ट्रस्ट को लेकर क्या आपने कुछ सोचा कि कौन कौन इस ट्रस्ट का हिस्सा होने चाहिए, या आपकी कोई डिमांड हो? अब देखिए, मेरे सोचने से तो खैर नहीं होता, बहुत सोचा, लेकिन इतना अवश्य है, मेरा सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो 90 दिन है उसमें ट्रस्ट बनाए, किसी को भी बनाए, लेकिन मेरी एक मन की इच्छा है, दो चीज बातें हैं कि एक तो अयोध्या जी में भव्य विश्व का सबसे बड़ा सोने का मंदिर बने, और दूसरी उसमें पुजारी भी हर वर्ग के रखे जाएं, ताकि वहां पे भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने बिना भेदभाव किए रिक्ष बंदर भालू सबको लेने जोड़ने का काम किया, और भगवान श्री पुल बनाया, देखो इतने बड़े पुल सबको लेके किया, और सब उनके भक्त थे, अनुसूचित जनजाति के लोग, सबको प्रेम उन्होंने किया, सबरी के जो जूठे फिर भगवान श्री राम ने कहा, तो वहाँ पे हर वर्ग के लोग रहे और हर जाति के लोग प्रशिक्षित जो है पुजारी रहे, किसी प्रकार का भेद ना हो, पूरे विश्व के सनातन धर्मी विश्व के तमाम राम भक्तों का उस पर अधिकार हो, बस। और रही बात देखिए अपना, चूँकि अपनी उनका की अपनी प्रतिनिधित्व का उसमें, तो मंदिर बने, प्रतिनिधित्व सबका ऐसे ही है, तो इसलिए जैसे भी भगवान राम का मंदिर भव्य बने, और सरकार का हम पूरा समर्थन करेंगे। क्या अभी कोई उम्मीद है कि ऐसी कोई समय सीमा तय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला बहुत लटका रहा है, तो अब क्या उम्मीद है कि कितने दिन में राम मंदिर बन जाए? नहीं देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर में बोला है कि कमेटी बनाया जाए, तो 90 दिन के अंदर कमेटी, और हमें लगता है कि एक वर्ष से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर भव्य मंदिर बनाया जाए, और उसमें जो हमने वो भी किया है, कुछ अपनी इस्टीमेट हमने बनाए थे, अगर उसको सोने का इस्तेमाल किया तो 11,000 किलो सोने उसमें प्रयोग होंगे, अगर विश्व का सबसे बड़ा सोने का मंदिर बनेगा, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सोने का मंदिर हो, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में जन्म स्थान पर बने, वो पूरे विश्व के लिए एक नाजीर हो। अगर मुस्लिम पक्ष भी समिति से जुड़ना चाहे तो आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं देखिए, मुस्लिम पक्षकारों को जो जमीन 5 एकड़ जमीन मिला है, तो उसमें मेरा ये कहना था कि अगर जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं बुलाएंगे, तो मैं जरूर उसमें हिस्सा लूँगा और उनको पूरा सहयोग करूँगा, अगर उनको किसी प्रकार की आर्थिक और हर प्रकार की जो भी वो चाहिए, तो हम उसको पूरी अपनी तरफ से, हम अपनी हिंदू समाज की तरफ से देंगे, और अगर मेरा भी जो राम मंदिर बनता है उसमें बिल्कुल हम उनको आमंत्रित करेंगे, अगर हमें अधिकार होता है तो बिल्कुल आमंत्रित करेंगे, और हम सरकार से भी अपील करेंगे कि जो कमेटी बनाए, चाहे कोई भी हो, हम रहे ना रहे, लेकिन उसमें सबको उसमें दिया जाए, क्योंकि भगवान श्री राम सद्भावना के प्रतीक है और सबको लेके चलने वाले थे, तो इसलिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बेहतरीन जजमेंट दिया है जिसमें हिंदू पक्षकारों के लिए भव्य राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त किए, वहीं मुस्लिम भाइयों के लिए भी 5 एकड़ की जमीन दिया है, तो ये बहुत ही सराहनीय है, तो सरकार और जो ट्रस्ट बनेगा तो भी इस तरह की सद्भावना हमेशा पेश करे, क्योंकि देखो जिस प्रकार से पूरे विश्व की निगाहें हमारी देश पे थी, तो इस पे धार्मिक एकता बहुत माने रखता है, और मुस्लिम भाइयों ने भी जिस प्रकार से इसका स्वागत किया है, हम उनका धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, और हिंदुओं ने भी जिस प्रकार से एक संयम बरता है, तो वो भी काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, तो इसलिए, जबकि सच्चाई है कि कल असली दिवाली था जब जजमेंट आया, तो लेकिन सब ने एक दूसरे की भावना को करते हुए, ताकि कोई जो उपद्रवी तत्व हैं उनको मनोबल न बढ़े, उनको किसी प्रकार की हवा न मिले, तो सब ने मिल करके वो किया है, तो ये पूरे देश की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है, ये भारत की जीत है, तो इसलिए ये तिरंगे की जीत है।